देखिए, इस समय जो कोविड-19 की क्राइसिस से पूरी दुनिया ही बल्कि जूझ रही है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने भी डिफरेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसमें अपना हम भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। थोड़ी बैकग्राउंड पहले ये बताना चाहूँगी कि जो मिड डे मील का हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोविज़न होता है, एलिमेंट्री क्लासेस तक हम बच्चों को देते हैं, वो स्कूल में ही कुक करके बच्चों को मील दिया जाता है। लेकिन ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बन गई थी, उसके बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी कि स्कूल्स तो बंद हैं लेकिन बच्चों को मिड डे मील पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की भी ज़रूरत है, और अगर उनको खाना भी नहीं मिलेगा ढंग से तो दैट विल अफेक्ट देयर हेल्थ। तो इन डायरेक्शंस के आने के बाद हमारी J&K गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दी, ये फैसला लिया कि हम इस समय, क्योंकि मिड डे मील कुक करके पहुंचाना और दिक्कत हो सकती है, इससे इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम ड्राई राशन, एटलीस्ट 2 महीनों का ड्राई राशन जो है वो हर एक बच्चे को उसके घर पे पहुंचाया जाएगा। और उसके अलावा जो कुकिंग कॉस्ट होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें आती है मिड डे मील स्कीम के तहत, वो कुकिंग कॉस्ट उनके अकाउंट्स में डाल दी जाएगी। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने ये 25 मार्च को हमने ये स्टार्ट किया था। इनफैक्ट हम शायद कुछ बिल्कुल गिनी चुनी स्टेट्स और यूटीज में से होंगे जिन्होंने इमीडिएटली ये स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भी हमारा मेंशन है। हमने ये स्टार्ट किया और लगभग 15 दिन के अंदर ही हमने 91% डिस्ट्रीब्यूशन 2 महीने के राशन की बच्चों तक पहुंचा दी है। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे लगभग 4,86,257 बच्चे जो हैं उनको हम मिड डे मील देते हैं। उनमें से हमने 4,42,000 के करीब हमने बच्चों को राशन उनके घरों में पहुंचा दिया है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस काम को करने के लिए हमने, हमारी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन्होंने PRIs के साथ मिलकर, पंच सरपंचस के साथ और काउंसलर्स के साथ मिलके ये डिस्ट्रीब्यूशन किया। और ये अमेजिंग है कि एक बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि हमारे स्कूल्स जो 11,977 स्कूल हैं जहाँ पे हम मिड डे मील देते हैं जम्मू डिवीज़न में, और उन सभी स्कूल्स के बच्चों को ये जो पहुँचाना था उसके लिए एक बहुत लार्ज नंबर था टीचर्स का। लेकिन साथ ही चैलेंज ये था कि कोविड-19 के चलते हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और इस तरीके से इसको पहुँचाना है राशन को कि कोई भी हेल्थ हैज़र्ड जो है वो पोज ना हो जाए। तो हमें इसमें CAPD डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हमें फेयर प्राइस शॉप से ये राशन उठाना था और उसके बाद बच्चों के घरों में पहुंचाना था। तो दोनों डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन के साथ, जॉइंट एफर्ट्स की वजह से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मदद से हमने ये जो है 91% डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। और कुकिंग कॉस्ट के लिए हमने अकाउंट सारे कलेक्ट कर लिए हैं। लगभग 15 करोड़ के करीब जो अमाउंट होगा ये बच्चों को DBT ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 100% जो है हम ये डिस्ट्रीब्यूशन अगले 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लिए हैं, और मैं फिर से ये कहूँगी कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू शायद उन कुछ गिने चुने डायरेक्टोरेट्स में से होगा या डिपार्टमेंट्स में से होगा जिन्होंने इमीडिएटली, जैसे ही ये चैलेंज देखा और जैसे ही ये देखा कि स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो ये इनिशिएटिव्स ले लिए। हमारे डायरेक्टोरेट का एक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन है जिसका नाम आओ बात करें हैं। ये जो हेल्पलाइन है ये हमने फरवरी 2019 में शुरू की थी, लेकिन जैसे ही ये स्कूल्स का यहाँ पे क्लोजर हुआ तो हमने अपनी टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन को रीओरिएंट किया, और हमने कोलैबोरेट किया, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ से डील करती है, उनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ हमने टाई अप किया जो कि हमारी टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन आओ बात करें के साथ जुड़ गए। और ये टेली काउंसलिंग आज की डेट में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हमें लगभग 30 से 40 कॉल्स पर डे आती हैं, और ये अलग अलग जगहों से आती हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से, पेरेंट्स से जो एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं इस क्राइसिस के बीच, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, एकेडेमिक लॉस को लेके क्वेरीज हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसको उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ पास रेफर किया जाता है और वो इश्यूज को हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटा इंसिडेंट भी बताना चाहूँगी कि एक टेली काउंसलिंग काउंसलर को एक कॉल हिमाचल से आई। हिमाचल में हमारे यहाँ जम्मू की एक फैमिली वो कहीं फंस गई थी, ट्रैप्ड थी, तो उनको
कहीं से सम हाउ दे गॉट दिस नंबर और उन्होंने इस नंबर पे कॉल किया, तो हमारी काउंसलर ने ये कुल्लू की बात है, वो कुल्लू में थे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुल्लू को उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया और कोई लेडी आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने, शी वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने इमीडिएटली एसडीएम को वहाँ पे भेजा और उस फैमिली को राशन जो है काफ़ी दिनों का प्रोवाइड किया गया और पूरी हेल्प प्रोवाइड की गई। तो ये इस किस्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अपने अपने लेवल पे हर कोई मुलाजम जो है, हर कोई टीचर जो हमारा है, वो वॉलंटियर कर रहा है और कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कि इस क्राइसिस से हम सब बाहर निकलें। उसके अलावा एक बहुत मेजर इनिशिएटिव जो हमारे डायरेक्टोरेट ने लिया वो होम क्लासेस का था। हमने इमीडिएटली जैसे ही ये स्कूल्स बंद हुए, हमने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक प्रोवाइड किया जिसमें होम क्लासेस हमने स्टार्ट की फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। इसमें खास बात जो बाकी क्लासेस से हटके जो बात हमारे इसमें थी वो ये थी कि हमने ये एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से शुरू किया कि हर तरह का कंटेंट जो है आज वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी था कि हम एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से बच्चों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, जैसे अगर स्कूल खुले होते तो वो जिस तरह से पढ़ाई करते उस तरीके से हमने ये क्लासेस शुरू की। इसमें भी हमारे लिए ये एक और चैलेंज था कि सब बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते हैं, तो हमने हर तरह के ऑप्शंस को वर्कआउट किया। हमने एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास होगा उन बच्चों के लिए हमने यूट्यूब पे, हमने जूम एप्लीकेशंस और ऑनलाइन क्लासेस, ये सब ऑप्शंस वर्कआउट किए। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप क्लासेस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हमने जो इमीडिएटली ऐड कर दिया कि हर एक स्कूल में व्हाट्सएप क्लासेस टीचर इंचार्ज करेगा और एक टाइम दे दिया जाता है बच्चों को कि जिस टाइम पे वो ऑनलाइन आ जाते हैं और उसके थ्रू उनको अलग अलग उनकी क्वेरीज और उनके लेक्चर ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू उनको बताए जाते हैं। और उसके अलावा हमने उन बच्चों का भी सोचा जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो हमने दूरदर्शन डीडी काशीर से, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से क्लासेस जो हैं वो टेलीकास्ट होती हैं। उसके अलावा रेडियो से हमने टाई अप किया, हमने टेक वन चैनल के साथ कोलैबोरेट किया, हमने पुंछ के लोकल केबल नेटवर्क, रामबन के लोकल केबल नेटवर्क, इन सब से हमने कोलैबोरेट किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। और जब कुछ ऐसा सेक्शन भी रह जाएगा जिनके पास ये भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो ये हम अपने पास एक बहुत रिपोजिट्री हमारी इकट्ठी हो रही है, ये सारे लेक्चर्स जो हैं हम बाद में बच्चों को बता सकते हैं। और इनफैक्ट कई टीचर्स को ये हमने कहा है कि जिनके पास भी बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर है तो चाहे वो व्हाट्सएप पे ना आ सकते हों लेकिन उन्हें फ़ोन करके बताएं कि वो अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ें और होम असाइनमेंट्स उनको दी जाए। ये सारे लिंक हमारे वेबसाइट पे sceedujammu.nic.in, इस पे आपको होम क्लासेस और होम असाइनमेंट्स, इनफैक्ट इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड हमने असाइनमेंट्स रखी हुई हैं, जैसे कि किसी बच्चे, हमने इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ओपन किए हैं कि बच्चा एक मिनट में कितने पुशअप कर सकता है, कितने टेबल्स लर्न कर सकता है, किस तरह का स्क्रैप बुक कॉम्पिटिशन हमने उस पर रखा है। तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो इसमें हम बच्चों की बेस्ट एंट्रीज पे इनको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो अंत में मैं ये भी कहूँगी कि हमारा एक सबसे बड़ा महकमा है, हमारे पास बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, जिन्होंने सबने, हमारे सभी टीचर्स ने, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि सबने वॉलंटियर किया, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं टीचर्स की, उन्होंने कहा कि वो किसी भी किस्म की सर्विस देने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून साहब ने हमें डायरेक्शंस दी और हमने हर एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें कुछ ऑफिशियल्स, खासतौर पर जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको वहाँ रखा गया है और 100 वॉलंटियर्स हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास रेडिली अवेलेबल हैं, जिनको रूरल डेवलपमेंट के डिस्पोजल पे भी हमने रखा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पे वो ऑलरेडी हैं। तो जितना भी हो सकता है हमारा डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि हम COVID-19 के इस क्राइसिस से निकलने के लिए जो जितना हमारा, व्हाटएवर बिट वी कैन डू, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। थैंक यू।